able guidance of respected Shri Lalu Prasad. लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से जुड़ी इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है वो दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से है, जहां आज लैंड फॉर जॉब स्कैम के मामले में सुनवाई होनी थी, लेकिन ये सुनवाई टल गई है। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे दें, राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू परिवार को बड़ी राहत दी है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं, लैंड फॉर जॉब स्कैम के मामले में 4 अक्टूबर को लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी सहित तेजस्वी यादव दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सशरीर उपस्थित हुए थे, लेकिन अब कोर्ट ने इन्हें राहत दी है। ये कहा है कि अब ये जरूरी नहीं है कि आप कोर्ट में सशरीर उपस्थित ही हो। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव लैंड फॉर जॉब स्कैम के मामले में अपने वकील के माध्यम से अपनी बात रख सकते हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं, क्योंकि बिहार नहीं बल्कि देश भर में तेजस्वी यादव इन दिनों दौरा कर रहे हैं और लालू प्रसाद यादव भी अस्वस्थ हैं, और ऐसे में बिहार से दिल्ली जाना और दिल्ली में विशेष करके कोर्ट में पेशी के लिए जाना कहीं ना कहीं एक मुश्किल काम हो गया था। तो ऐसे में राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को बड़ी राहत दी है। साथ ही साथ सुनवाई आज की टल गई है और अब यह सुनवाई होगी 2 नवंबर को, जहां लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की ओर से उनके वकील ही कोर्ट में हाजिर होंगे, अपनी बात रखेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की आप खुद रहे हैं। देखिए, लैंड फॉर जॉब स्कैम जिस मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मीसा भारती सहित 15 आरोपियों को जो है वो कोर्ट ने बड़ी राहत दी थी, और 4 अक्टूबर को जिस मामले में यही लैंड फॉर जॉब स्कैम का मामला था, जब ये तमाम आरोपी कोर्ट में सशरीर उपस्थित हुए, तो राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दी थी 50,000 के निजी मुचलकों पर। और अब साफ तौर पर कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि ये जरूरी नहीं है कि कोर्ट में हाजिर ही होना होगा। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको देखिए, हाल ही में सीबीआई की ओर से फ्रेश चार्जशीट दाखिल की गई थी, जिस मामले में तेजस्वी यादव को भी आरोपी बनाया गया था। बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, आरजेडी के नेता हैं, लालू यादव के बेटे हैं, इनका नाम एफआईआर में नहीं था, लेकिन चार्जशीट में तेजस्वी यादव का भी नाम जोड़ा गया और तेजस्वी यादव को भी साफ तौर पर कहीं ना कहीं घेरने की पूरी रणनीति थी। लेकिन अब लालू परिवार को बड़ी राहत जो है वो मिल गई है कोर्ट से। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। देखिए, सीबीआई ने इस पूरे मामले में जांच की और चार्जशीट जो है वो कोर्ट में दाखिल किया, और साफ तौर पर लालू प्रसाद यादव को मुख्य आरोपी बनाया गया। इनके अलावा कई अन्य आरोपी हैं, जिसमें लालू प्रसाद यादव के बेटियों के नाम है, लालू यादव के पत्नी का नाम है, और ये लैंड फॉर जॉब स्कैम जो है वो 2015 से 2005 से लेकर 2009 के बीच का है, जब लालू यादव देश के रेल मंत्री थे, और आरोप है कि रेलवे में ग्रुप डी में कई लोगों को नौकरियां दी गई और इसके बदले सस्ते कीमत पर जमीन लिखवा ली गई, और यही वजह है कि इस मामले ने इतने सालों के बाद तूल पकड़ा और सीबीआई ने अपने चार्जशीट में तेजस्वी यादव का भी नाम जोड़ा है, और यही वजह है कि मुश्किलें उनकी भी बढ़ती जा रही थी, लेकिन कोर्ट ने बड़ी राहत दे दी है। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।